दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं Realme C11 के बारे में, जो कि Realme के अपकमिंग स्मार्टफोन Realme C11 के बारे में अभी तक कई लीक्स हुए खुलासे सामने आ चुके हैं और चर्चा है कि कंपनी 30 जून को इस फोन को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। साथ ही लॉन्च की घोषणा से पहले ये स्मार्टफोन इंडोनेशिया की रिटेल साइट पर लिस्ट हो गया है और यहाँ पे दी गई जानकारी के अनुसार Realme C11 चाइना में 1 जुलाई से सेल के लिए अवेलेबल किया जाएगा और इसके साथ ही फोन के फीचर्स और कलर ऑप्शन के बारे में भी खुलासा कर दिया गया है। दोस्तों एक वेबसाइट पे दी गई जानकारी के अनुसार 30 जून को लॉन्च होने के एक दिन बाद यानी कि 1 जुलाई को Realme C11 फ्लैश सेल के लिए उपलब्ध किया जाएगा। इसके साथ ही लिस्टिंग में मिंट ग्रीन और पेपर ग्रे कलर ऑप्शन में दिखाया गया है। साथ ही इस फोन के कई फीचर्स की भी जानकारी दी गई है और लिस्टिंग के मुताबिक Realme C11 दो स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किए गए हैं और यहाँ पे एक वेरियंट 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज में देखने को मिल जाएगा और दूसरे वेरियंट की बात करें तो यहाँ पे 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज की सुविधा देखने को मिल जाएगी। हालांकि इस वेबसाइट पे स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। वहीं Realme C11 की फीचर्स की बात करें तो इसकी इमेज देख के ये स्पष्ट होता है कि ये स्मार्टफोन फ्लैश सेल के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ दिया जाएगा, लेकिन फोन के बैक पैनल में कोई फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल नहीं है, जो कि इस बात की संकेत है कि ये स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर की सुविधा नहीं मिलेगी। दोस्तों लिस्टिंग के मुताबिक इस फोन में 6.5 इंच की HD+ का IPS डिस्प्ले दिया गया है, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल में देखने को मिल जाता है। साथ ही ये फोन MediaTek Helio G35 चिपसेट पे काम करता है और इसमें दी गई स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपेंड भी किया जा सकता है। वहीं कैमरे फीचर्स की बात करें, जो कि Realme C11 के बैक में डुअल कैमरे सेटअप देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे 13 MP का मेन कैमरा जबकि 2 MP का सेकेंडरी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे 5 MP का सेल्फी कैमरा सेंसर के साथ देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर कैमरे फीचर्स की बात करें तो फोन में क्रोमा बूस्ट, पोर्ट्रेट मोड, स्लो मोशन वीडियो और 1080p वीडियो शामिल है। इसके साथ ही इसमें सुपर नाइट एस्केप मोड भी दिया गया है, जिसकी मदद से लो लाइट में बेहतर फोटोग्राफी क्लिक की जा सकती है। इसके अलावा ये फोन एंड्रॉयड 10 OS पे आधारित Realme UI पे रन करता है और इस फोन में 5000 mAh की दमदार बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 10 वाट की चार्जिंग का इस्तेमाल किया गया है। वहीं सिक्योरिटी फीचर्स के तौर पे इस फोन में फेस अनलॉक जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों Realme C11 की फीचर्स काफी हद तक Realme C3 के समान देखने को मिल जाती है, बस यहाँ पे चेंजिंग जो कि चिपसेट को लेके है। अब जैसे कि Realme C11 की परफॉर्मेंस स्लाइटली लोअर Realme C3 से देखने को मिल जाएगी। वहीं इंडिया प्राइस की बात करें तो इस फोन को कंपनी 7000 रुपए के प्राइस में लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा इंडिया लॉन्च की बात करें तो इसके बारे में कंपनी ने कोई जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन 30 जून को सबसे पहले इसे इंडोनेशिया में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद ही इसे इंडिया सहित अन्य देशों में भी लॉन्च किया जा सकता है। वैसे अगर इंडिया लॉन्च की बात करें तो ये स्मार्टफोन जुलाई से अगस्त तक देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।